नए साल के शुरू होते ही पुलिस ने सोलह पेशेवर गिरोहों के 54 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट से शिकंजा कसा है। जहां देहरादून पुलिस ने जिले में लंबे समय से सक्रिय चल रहे शातिर और कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसते हुए कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस ने नशा तस्कर, शराब माफिया, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी कंपनी बनाकर लोगों का पैसा लूटने वालों, डकैती को अंजाम देने वाले गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। वहीं एसएसपी अरुण मोहन जोशी के मुताबिक देहरादून जिले में चिन्हित किए गए और सक्रिय 16 गैंगों के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में गैंगस्टर की कार्रवाई पंजीकृत की गई है। ऐसे में कानून का शिकंजा कसते हुए इन गिरोहों में सक्रिय 54 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। आज जो है जो हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं उनके अगेंस्ट में गैंगस्टर की कार्रवाई करें, और इसी में जो जो हमारे थाने हैं उनमें 16 गैंगस्टर हमने रजिस्टर किए हैं। मेनली जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, जो इस तरह के क्रिमिनल हैं जो प्रॉपर्टी ऑफेंस में रहते हैं या शराब माफिया हैं, उस तरह के लोग हैं, उनको चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ गैंगस्टर का कार्रवाई किया है। गौरतलब है कि देहरादून के अलग अलग थानों में बंद अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए 54 सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि गिरोह के 3 और सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।